हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रॉक तो WWE में वापस आए थे रोमन रेंज के साथ एक मैच के लिए, लेकिन आगे चलकर उन्होंने ब्लड लाइन को ही ज्वाइन कर लिया। बट क्या अब रॉक एंड रोमन रेंज ही आपस में भिड़ने वाले हैं, तो क्या कुछ हो चुका है बड़ा? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि रॉ के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। इसके अलावा इस वीक के रॉ में बैकलैश के लिए एक कौन सा बड़ा चैंपियनशिप मैच हो चुका है ऑफिशियल। सो गाइस, सबसे पहले हम उसी चैंपियनशिप मैच के बारे में कर लेते हैं बात, जो कि हमें इस वीक के रॉ में होते दिखा ऑफिशियल। तो गाइस, वो कोई और मैच नहीं बल्कि जे उसो वर्सेस डैमियन प्रीस्ट का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच है। तो जैसा कि जे उसो ने लास्ट वीक के रॉ में इस अपॉर्चुनिटी को किया था अर्न, बट WWE ने इस चीज को कंफर्म नहीं किया था कि जे उसो को अपॉर्चुनिटी बैकलैश में मिलने वाली, इसलिए हम सभी को लग रहा था कि शायद से ये मैच रॉ में होने वाला। लेकिन इस वीक के रॉ में डैमियन प्रीस्ट ने ये बात कर दी साफ कि हमें उनका मैच जे उसो के साथ देखने को मिलने वाला है बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट में। तो ये मैच जब प्रीमियम लाइव इवेंट में हो रहा है तो डेफिनेटली से टाइटल चेंज होने के चांसेस रहेंगे। अब लेट्स सी आखिर कौन जीतता है जे उसो वर्सेस डैमियन प्रीस्ट के मैच में। वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, जे उसो या फिर डैमियन प्रीस्ट, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि हमें रॉ के बाद क्या कुछ देखने को मिला। तो जैसा कि आप सब जानते ही हो, इस वीक का रॉ काफी ज्यादा शॉकिंग रहा। सबसे पहले तो रिया रिपली का हमें टाइटल वैकेंट करने वाला सेगमेंट देखने को मिला, यानी कि इंजरी की वजह से उन्होंने अपनी चैंपियनशिप कर दी रिलिंक्विश। फिर उसके बाद हमें सेमस का रिटर्न देखने को मिला, जो कि अपने पुराने थीम सॉन्ग एंड न्यू लुक के साथ देखने को मिले, या फिर आप बहुत पुराने लुक के साथ ही बोल सकते हो, न्यू वर्ल्ड टैग टीम टाइटल समय होते हुए दिखी रिवील, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइप ही लग रही देखने में। बट मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है मॉन्ट्रियल कनाडा में सैमी जेन वर्सेस चैड गेबल का मैच। और ये मैच जब सैमी जेन के होम ग्राउंड के सामने हो रहा था तो एक्सपेक्टेड तो था कि यहाँ पर सैमी जेन अपनी टाइटल कर लेंगे रिटेन, बिकॉज उन्हें सपोर्ट काफी कमाल का मिलने वाला है क्राउड की तरफ से। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला। बट मैच के बाद जब सैमी जेन अपनी विक्ट्री कर रहे थे सेलिब्रेट, देन चैड गेबल आते हैं और वो अटैक करते हैं सैमी जेन पर, यानी कि ऑफिशियली हो चुका है चैड गेबल का हील टर्न। अब वहां तो क्राउड उन्हें बुक कर ही रही थी, बट आप सबको बता दूं, रॉ खत्म होने के बाद भी चैड गेबल हमें कंटिन्यूअस अटैक करते हुए दिख रहे थे सैमी जेन पर, वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी हमें रेस करते हुए दिखते हैं और एफ यू गेबल के चैंट्स भी लगते हैं। यानी कि गाइस, जहां चैड गेबल को पहले काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, अब पूरी तरह से क्राउड उनके अगेंस्ट हो चुकी है, या फिर आप कह सकते हो उनका हील कैरेक्टर ही एक अलग लेवल पर जा चुका है और वो स्टिल जाने वाले हैं सैमी जेन की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। एंड हम सब तो यही होप करेंगे कि भाई चैड गेबल अपने इस कैरेक्टर में काफी ज्यादा कमाल करे। वैसे आप सैमी जेन और चैड गेबल के फ्यूड में किसे सपोर्ट कर रहे हो, सैमी जेन को या फिर चैड गेबल को, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर लीजिए कि क्या हमें रॉक एंड रोमन रेंस के बीच ही देखने को मिलने वाला है मैच। तो आप सभी को पता ही है, रॉक आए तो थे रोमन रेंस के साथ मैच करने के लिए, बट चीजें टर्न हो गई और हमें कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिल गया, जहां पर रॉक ने साथ दिया रोमन रेंस का। और सभी एक्सपेक्ट तो कर रहे थे रॉक बिट्रे करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया में, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। बट गाइज, अब कुछ हो चुका है ऐसा जिससे हमें ये पता चल रहा है कि रॉक एंड रोमन रेंस भिड़ने वाले हैं आपस में। तो आप सभी को पता ही है, लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें टामा टोंगा का डेब्यू देखने को मिला था और उन्होंने एंड सोलो सिकुआ ने मिलकर जिमी उसो को ब्लड लाइन से बाहर निकाल दिया, और उन्होंने ऐसा कहा कि ये हो रहा है ट्राइबल चीफ के ऑर्डर से। एंड हम सभी को लग रहा था कि सोलो सिकुआ बन चुके हैं ट्राइबल चीफ, और इस चीज को कोडी रोड्स ने भी इस वीक के रॉ में मेंशन किया, जहां पर उन्होंने यही बोला कि जब रोमन रेंस आसपास नहीं है तो कौन है वहां पर ट्राइबल चीफ। तो गाइस, यहां से ये बात लगभग हो चुकी है कंफर्म, जो जिमी उसो को ब्लड लाइन से बाहर करने की ऑर्डर मिली है वो किसी और ने नहीं बल्कि दी है दी रॉक ने। और आप सब जानते हो जिमी उसो को क्यों किया गया ब्लड लाइन से बाहर, क्योंकि वो अपने मैच को हारे रेसलमेनिया में। और सेम चीज रोमन रेंस ने की है, यानी कि रोमन रेंस जब वापस आएंगे तो ये सब मिलकर रोमन रेंस को भी ब्लड लाइन से हमें करते हुए दिख सकते हैं बाहर, जिसके बाद होगी रॉक की वापसी और हमें ये पता चलेगा कि रॉक बन चुके हैं नए ट्राइबल चीफ। यानी कि गाइस, रॉक ने कहा तो है कि वो कोडी रोड्स के लिए आएंगे वापस, मे भी हो सकता है जब वो टाइटल जीत जाए या फिर उससे पहले ही वो हमें रोमन रेंस पर करते हुए दिख जाए टर्न, और हमें रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच फाइनली देखने को मिले WWE में। और जे उसो भी इन्वॉल्व होने वाले हैं ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में, वो तो हमें इस वीक के रॉ में पता चल ही गया। यानी कि एक तरफ तो होने वाली है रॉक की ब्लड लाइन और एक तरफ होने वाली है रोमन रेंस की ब्लड लाइन। बट हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए होता है या फिर एक नॉन टाइटल मैच। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना, आपको क्या लगता है अगर रॉक वर्सेज रोमन रेंस का हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है तो वहां पर किसकी जीत होने वाली है, रॉक की या फिर रोमन रेंस की। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।